हेलो। ये था ना पहला क्वेश्चन, इसमें मैंने करेक्शन करा था थोड़ा सा, बता दिया था ना क्लास में कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये मूल पूछा, लेकिन इसने कंडीशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए ये मूल वास्तविक में असमान है और ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये मूल वास्तविक और असमान है ना, इसका मतलब है इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसकी कंडीशन अपन इसमें काम में लेंगे, तो बी स्क्वायर कितना हो गया वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन आ गया और सी की जगह ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया, इधर अपन लेके जाएं तो फोर ए माइनस वन लेस देन जीरो, माइनस फोर ए को इधर ले गए और लेस देन जीरो, ये कंडीशन आ रही है। अब इसकी बात करें अपन, इसके मूल कैसे होंगे, तो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर होगा माइनस फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 16a-4। ठीक है, अच्छा इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, चार कॉमन ले लें, 4a-1 ये ले सकते हो। अच्छा ये वैल्यू है ना लेस देन जीरो है, अब लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव को चार से गुणा कर तो नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया अपनी ये वैल्यू लेस देन जीरो ना, ही समझे भाई, फोर ए माइनस वन लेस देन जीरो है ना, इसका मतलब लेस देन जीरो करो, और एक से कम से जीरो से कम से संख्या से गुणा करता है तो नेगेटिव हो जाती है पूरी संख्या, तो इसका मतलब लेस देन जीरो है ये। अब लेस देन जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक अधिकल्पित, आगे चले आगे साथ के साथ उतारा करो, ऐसे नहीं, ये कोई क्लास नहीं है, ये सॉल्यूशन क्लास है, सॉल्यूशन क्लास और क्लास में थोड़ा अंतर होता है, पेन साथ साथ चलना चाहिए, आगे ना समझा, बस चले ए बी सी परिमेय संख्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो, ए बी सी परिमेय संख्या और टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का एक उभयनिष्ठ मूल है, मतलब ये कह रहा है कि ये है ना और ये इनका एक उभयनिष्ठ मूल है, कॉमन एक मूल है, ठीक है, तो फोर ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे देखो, अगर अपन इसका वो निकालें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी का मूल निकाले पहले, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का एक मूल निकालते हैं, दोनों मूल निकल जाएंगे वो तो कम मूल, तो एक्स बराबर हो गया माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह टू और सी की जगह माइनस फोर अपॉन टू इंटू टू, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा रूट सेवन, नौ नौ आ जाएगा सब हिसाब से, वो हो जाएगा आठ प्लस नहीं रूट सत्रह, रूट सत्रह बटा चार। अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है कि ये एक्स जो आ रहा है ना ये माइनस प्लस रूट सत्रह बटा फोर, और दूसरा आ रहा है माइनस वन माइनस रूट सत्रह बटा फोर, ये मूल परमे हुए हैं अपरमे, ये मूल क्या है अपरमे, जिसका रूट खुलता नहीं अपरमे होता है, और अपरमे में पहचान होता है कि जब ए बी सी परमे संख्या हो, क्या हो, ये देखो ये वाला दो एक इसके कोफिशियंट अगर आपके परमे संख्या हो, क्या परमे संख्या हो, तो मूल संयुग्मी होते हैं, संयुग्मी का मतलब है
एक मूल में प्लस और माइनस का अंतर होगा, बार रूट की संख्या का अंतर, ये ध्यान रखना। ए बी सी अगर परिमेय संख्या हो तो मूल संयुग्मी होते हैं, तो अपन एक मूल पता तो दूसरा अंग बीच के लगा सकते हैं। अब इसने ये कहा इस सवाल के अंदर कि इसका इनमें से एक मूल कोई ना कोई संयुग्मी होगा, ये संख्या ना इसका। अब अपन एक चीज ये कह रहा है कि मूल संयुग्मी भी होता है, एक मूल मैं इसको इसके बराबर मान लेता हूँ, एक मूल भाई ये मान लो इसके बराबर है, शर्त यह कि एक मूल फिर ये है तो दूसरा यही होगा, तो दोनों मूल बराबर हो गए। बात नहीं, जैसे एक मूल दो है तो एक कंडीशन दो है तो दूसरा माइनस दो ही रखना पड़ेगा, तो मैं दो को अगर बराबर करता हूं तो वो भी कहेगा साहब मेरे माइनस दो का परमेय, तो परमेय भी ये शर्त तो उसमें भी लगी क्योंकि ए बी सी इसमें भी परमेय तो बता रहा है, ए बी सी परमेय संख्या, तो इसका मतलब एक मूल समान होने के साथ दोनों मूल समान हो गए, क्योंकि ये मूल है तो दूसरा मूल वही निकलता है, तो इसका एक मूल कोई सा लूंगा तो दूसरा मूल वही आएगा, वो भी कहेगा मेरा भी यही आएगा, मूल तो वही आएंगे, तो दोनों मूल कैसे हो गए समान। अब मूल समान होता है तो क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू ये बराबर होता है, दोनों मूल समान हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू बराबर हो जाती है। अब इसके अंदर तो दोनों मूल बराबर हो गया तो अब तुलना कर लो, ये दोनों बराबर हो जाते हैं समीकरण, तो ए बराबर तो दो हो गया, बी बराबर क्या होगा, या तो रेशियो का बराबर मान लो, बी बराबर क्या आ गया वन आ गया, और सी क्या आ गया माइनस दो, या तो ये होगा या प्रोपोर्शन भी कर सकते हो अपनी मान, समझ में आ गया, दोनों मूल बराबर ही हो गए। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, फोर ए माइनस बी, तो फोर ए की वैल्यू कितनी है दो, माइनस टू बी की वैल्यू वन, और सी की वैल्यू तीन इंटू माइनस दो, कितनी आ गई, ये आ गया चार दून आठ, और ये हो गया माइनस दो माइनस जीरो आ गया, ये माइनस, ये ध्यान, ए बी सी अगर परमेय संख्या हो तो दोनों मूल संयुग्मी होंगे, काल्पनिक हैं तो भी संयुग्मी होंगे, वास्तविक ओ काल्पनिक में भी संयुग्मी होते, लेकिन कंडीशन है ए बी सी कैसे होने चाहिए, परमेय संख्या, अदरवाइज नहीं, ए बी सी परमेय संख्या आया नहीं आया, तो दोनों मूल बराबर हो गए, चले आगे। दो उम्मीदवारों को प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को हल करने पर प्रयास किया, पी के गलत मान के साथ शुरू किया, उसने माइनस चार और माइनस दो, तो ये क्या होता है तो अपन करते ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स, ये होता है प्लस मूलों गुणनफल होता है, ये मूलों का गुणनफल होता है, ये और ये एक ही चीज है, अगर आप इसमें गलती करोगे ना तो इसमें गलती हो जाएगी, तो ये सही रहेगा, ये तो रहेगा, मैंने एक समीकरण में इसमें गलती करी। अब ये क्या कर रहा है, हल करने का प्रयास किया, पी के गलत स्थान के कारण उसके माइनस और माइनस नौ मूल मिले, तो मूलों का योग क्या है, मूलों का योग तो आएगा माइनस दस, और मूलों का गुणनफल नौ, पी में गलती करी, तो पी में गलती करे मतलब ये गलत हो जाएगा, पर ये सही रह जाएगा, ये वैल्यू सही आएगी, जिसमें गलती करते हो ना, इसकी गलती है तो ये सही, ये गलत करोगे तो ये सही, तो इसका मतलब मूलों का इसकी वैल्यू तो सही है, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो सही है इसके अंदर, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई नौ। अब अगली कंडीशन से वही सेम, अब ये क्या कह रहा है कि जबकि दूसरे में क्यू में गलत किया और उसके मूल दो और आठ आए, तो मूलों का योग क्या आएगा, दो प्लस आठ दस, गुणनफल सोलह, लेकिन सोलह को इग्नोर कर देना, क्यों करना, तो अपने इसने किसको गलती करी थी, क्यू को लिखने में गलती करी थी, क्यू करना था, तो सोलह नहीं आया, सोलह लेना नहीं है, क्यों ये भी गलत है तो ये भी गलत होगा, लेकिन मूलों का योग क्या आ गया दस, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू कितनी आ गई दस। अब रख दो मान इसके अंदर एक्स स्क्वायर पी नहीं, योग है, पी अलग चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस क्यू तो समीकरण क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो, एक्स को मान लोगे एक्स माइनस नाइन माइनस वन एक्स माइनस नाइन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर एक और नौ, एक और नौ,
इसमें अपन को इसको गलत लेना है क्योंकि उसमें और इसमें इसको गलत। ये आ जाएगा फर्स्ट, चले आगे। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस टू आई एक्स प्लस के मूल है। देखो मूलों का योग कितना रहा, टू आई, गुणनफल कितना रहा, तीन, माइनस बी बाई अपन। अब देखो चेक कर लो कौन सा इसका सही है, फिर जोड़ तो आपका टू आई आए गुणा दे तो ये आपका नहीं, इसमें तो फोर आई आ रहा है तो वैसे गलत हो गया, ये माइनस और प्लस तो ये गलत हो गया, टू आई तो नहीं आएगा जोड़, और माइनस ये माइनस फोर आई आएगा और गुणा भी आ गया आपका टू आई और आई माइनस आटा, तो थ्री माइनस थ्री आटा स्क्वायर और आटा स्क्वायर माइनस वन, तीन ऑप्शन से कर सकते हो। बहुत कुछ तरीके ऑप्शन से पकड़ा करो, ऑप्शन वैल्यू पुट करना सीखो, आंसर मत निकालो वैल्यू रख के देखो। चला क्या ये मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ये होता है हमेशा, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर माइनस पांच भी अंदर है ना तो पांच होगा, और पांच है तो पांच, कहने का मतलब है अगर इसको अपने मोड लगा दिए तो हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा रहता है। अब अपन क्या करें इसको टी मान लेते हैं एक बार, तो ये क्या रहा है टी स्क्वायर फाइव टी प्लस फोर बार जीरो, अब फैक्टर कर लो टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस टी प्लस फोर बार जीरो, टी कॉमन लोगे टी प्लस चार बराबर जीरो, तो टी प्लस वन और टी प्लस चार बराबर जीरो, तो टी की वैल्यू जो आ रही है ना माइनस वन आ रही है और टी की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, और ये है टी क्या मोड, फिर मोड रखो तो मोड बराबर माइनस वन और मोड बराबर माइनस चार, ये दोनों ही गलत हो गए, जो मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर आता नेगेटिव आता ही नहीं है, ये मोड ही तो है। हाँ अगर मोड ऐसा आ जाता, मोड बराबर अगर प्लस तीन आता, जैसे तीन आ गया तो सॉल्यूशन हो जाता है एक्स बराबर माइनस तीन और प्लस तीन, लेकिन मोड तब तो ये उत्तर हो जाता। लेकिन गलती ये हो रही है कि माइनस वन तो कभी होता नहीं, मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये आता ना मोड बराबर तीन तो आंसर होता है एक्स बराबर माइनस तीन भी रख सकते हो, तीन भी उत्तर सही है माइनस तीन भी सही है, लेकिन यहाँ गलती ये हो रही है ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, ये कंडीशन होती है हमेशा छात्र एकदम, तो कौन सा आएगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन नहीं बोला जीरो सोल्यूशन, फॉलो क्वेश्चन जीरो। चले हाँ ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो के मूल बराबर है, तो ए बी सी है, देखो इसके अंदर क्या है, अगर मैं एक्स का मान वन रखूं, मैं मूल क्या होता है, मूल का मतलब एक्स का वो मान होगा जो जीरो कर दे, मूल का मतलब होता है एक्स का वो मान जो जीरो, तो एक्स बराबर इसका मूल है, कैसे अगर मैं एक्स बराबर वन रखता हूं ना तो ए माइनस बी सी माइनस ए और बी माइनस सी जीरो हो रहा है, क्योंकि ये देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इसका मतलब एक मूल इसका एक तो है, ठीक है। अच्छा दूसरा मूल बराबर है, अब एक मूल एक है तो दूसरा मूल भी एक ही है, जब मूल बराबर कर एक मूल मैंने निकाल दिया, जैसे दो मूल होते हैं लेकिन कहते हैं मूल बराबर है, तो इसका मतलब अच्छा मूल और गुणनफल क्या आएगा फिर, तो दूसरा मूल भी क्या होगा एक ही होगा, ये खुद बोल रहा है बराबर है, बराबर है तो मेरा एक मूल मैंने निकाल लिया, फिर इसने कहा बराबर है तो दूसरा मूल भी एक ही होगा। अच्छा मूलों का गुणनफल देखते हैं, इसके हिसाब से क्या आ रहा है, मूलों का गुणनफल होता है एक इंटू एक, वो होता है सी बाई ए, तो ये आएगा गुणनफल बी माइनस सी
अपॉन ए माइनस बी। भाई ये तो होता माइनस बी बाई ए तो होता जोड़, और सी बाई ए होता गुणनफल। तो इसका मतलब ये आपको इसको इक्वल करें, ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बराबर बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, और इधर ले जाएंगे तो ए प्लस सी बराबर टू बी। ये किसकी शर्त है? ए पी की शर्त है, ये ए पी की शर्त है, मतलब यह बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। तो इसका मतलब ए बी सी किस में? ए पी में, ए बी सी। समानता सर, चले एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स, वही सेम सवाल है। अगर कोई संख्या ये होती है ना, जैसे एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका मान भी जीरो होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये मतलब ये और ये एक ही चीज है, या मतलब x बराबर ये और ये एक ही चीज होती है, ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो अपन इसको थोड़ा सा बाहर लगा दिया घुमाने के लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब इसको t मान लें, तो अगर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस छः बराबर जीरो, फैक्टर क्या आएंगे, टी थ्री टी माइनस टू टी माइनस छः बराबर जीरो, टी कॉमन लोगे टी प्लस तीन, और माइनस दो कॉमन लोगे टी प्लस तीन बराबर जीरो, तो टी माइनस दो और टी प्लस तीन बराबर जीरो, तो टी का मान एक तो आ रहा है दो, और टी का मान आ रहा है एक माइनस तीन, तो ये टी एक्चुअल में मोड ये है, ये तो ये तो गलत हो गया, मैंने कभी मोड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये तो जीरो होता है, जीरो ज्यादा होता। अब ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ये अब एक्स मान क्या रखेंगे, दो आया मिसा, तो एक्स बराबर दो और माइनस, ये दो हल है इसके, नहीं लेकिन इसने ये नहीं पूछा, हाँ अभी को गुणा कर लो, तो केवल एक मूल है, तो मूल तो दो है, माइनस दो दो, तो पहला करते हैं, मूलों का योग माइनस एक है, माइनस एक नहीं है जीरो है, और मूलों का गुणनफल माइनस चार है, और मूलों चार मूल तो है नहीं, दो मूल तो कट गए, तो यह छोटे छोटे कुछ है ना बेसिक, मेरे को लंबा पेपर नहीं होगा कभी मेरे तरफ से, मेरा तो यह कि आपको बेसिक आना चाहिए इसके अंदर, ये कंडीशन है इसमें करने, बस चले आगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर जीरो, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान किसके पर, का मान है ये, का मान किसके बराबर, तो 1 अपन अल्फा सिंपल है, 1 अपन अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी चार बटा तीन, और अल्फा बीटा सी बाई ए सात बटा तीन, तीन से तीन कट गया माइनस चार बटा सात, चार बटा सात, चले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण के मूल है, तो जिस समीकरण के मूल, ये थोड़ा गलत है, दो मूल होंगे, ये प्लस एक अपॉन अल्फा कॉमा एक अपॉन बीटा, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक कैसे कर सकते हो, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो इसमें रखें मूलों का योग प्लस मूलों गुणनफल, ये तो होता है समीकरण,
एक्स स्क्वायर माने मूलों का योग फल मूल गुणनफल, तब आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का आंसर उठानी पड़ेगी, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन सी बाई, वहां से उठा लिया ऊपर, और ये हो गया बटा सी बाई, ए से कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा सी प्लस ए बटा सी, सी से गुणा कर दो तो सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हट गया, बी एक्स प्लस ए, एक दूसरा मेथड और है सिमेट्रिकल है, एक अपॉन अल्फा एक बटा बीटा, जैसे ये कहा जाता है अल्फा प्लस दो बीटा प्लस दो, जो चीज इसके अंदर हो ना वही चीज इसमें हो, तो इसको बोलते हैं सममित। सममित का मतलब है एक्स की जगह वाई रख दे और वाई की जगह एक्स रख दे, समीकरण वही रहे, तो सममित मूल है, ये सममित मूल है। तो अब एक दूसरा तरीका है कि अपन वन अपॉन अल्फा, देखो इसको संतुष्ट कौन कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जरा जीरो, अल्फा मूल है ना सर, ठीक है, सममित मूल का मतलब जो मूल इसमें वो चीज ऐसा कैसा इसमें दिखे, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे भी चल जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन, और मूल हो दूसरा बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस वन, मतलब तुम जो एक जैसे दिखेंगे दोनों, मूल में अल्फा इसकी जगह बीटा रख दो तो एक जैसे दिखे, उसके लिए लगा रहा हूँ ये मेथड, तभी लगेगा ये कि मूल कैसे हो सम्मित हो। तो एक तरीका और अपना बस ये सम्मित है कि अपन क्या कर रहे हैं, एक अल्फा अपॉन जो मूल है ना एक अपॉन इसको मान लो वाई, पहला स्टेप ठीक है, मतलब मैं वाई का मान निकालूंगा तो वन अपॉन अल्फा निकल जाएगा, वाई के रूप में चेंज करूंगा, दूसरा इसको लिख दो वन अपॉन वाई बराबर अल्फा, पहले वाई मान लिया और इसमें रख दो मान, क्योंकि ये संतुष्ट क्या कर रहा है इसको अल्फा है ना, ये अल्फा अल्फा संतुष्ट है, अल्फा की जगह रख दो क्या होगा ए प्लस सी बराबर जीरो, गुणा कर दे ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये समीकरण हो गया। अच्छा वाई जब भी निकल के आएगा y कैलकुलेट करोगे ना तो वो y क्या देगा, वन अपॉन अल्फा, y बराबर वन अपॉन अल्फा, तो ये मतलब ये y तो निकल के आएगा इससे, y का मान क्या आएगा वन अपॉन अल्फा, तो सब वन अपॉन बीटा तो आपने चेक किया ही नहीं, तो मैंने कहा अल्फा की जगह बीटा रखते, बीटा की जगह अल्फा रखते दोनों मूल, अब यहाँ पे तुम इसकी जगह ये ले सकते हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं ए प्लस बी एक्स प्लस ऐसे ले देते हैं कुछ एक्स मान ऐसे, और y की जगह एक्स रखो, एक तरीका आइए, लेकिन ये तरीका तब अपनाते हैं जब मूल सम्मित हो, नहीं तो बेसिक तरीका तो यही है, अगर मान लो मूल ऐसे आ जाए अल्फा प्लस दो बीटा प्लस तीन, तो आपको किस मेथड से करना पड़ेगा, इसी से, फिर इसे नहीं कर सकते, सम्मित मूल के केस में अल्फा की जगह बीटा रख दे, बीटा की जगह अल्फा रख दे, दोनों मूल एक जैसे दिखे, तो आप इस मेथड को अपना सकते हो, क्या करना एक मूल को पकड़ लेना कल से, एक मूल दोनों एक जैसे ही है, वाई लिखना फिर ये अल्फा, अल्फा का मान उसमें रखना, ये समीकरण एक्स में, लेकिन अपनी समीकरण किस में होती है एक्स में, तो उसको एक्स में लिख दो, और इसी को एक्स लिखना है क्वेश्चन, फोर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस वन एक्स प्लस वन के द्विघात समीकरण के मूल एक समान है, एक समान लो बराबर, तो हो जाएगा एम प्लस वन फोर ए सी सी, अब इसको सोल्व करें अपन, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन माइनस, ये तो वन हो गया सोलह माइनस
फोर एम बराबर जीरो, एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस पंद्रह, एम स्क्वायर माइनस पाँच एम प्लस तीन एम, एम कॉमन ले लो, एम माइनस पाँच, तीन कॉमन लिया, एम माइनस पाँच बराबर जीरो, एम के मान दो मान आएंगे, एम प्लस तीन, एम माइनस पाँच बराबर जीरो, तो एम बराबर हो गया माइनस तीन और पाँच। अब ये देखो दोनों है तो ये उत्तर तो दोनों सही है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि आंसर में ये है भी या नहीं, आंसर में क्या है, एम के मान दो मान है ये भी सही है लेकिन एम का मान अपन को करो। चले आगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो समीकरण के साइन थीटा कॉस थीटा मूल है, तो ए बी सी में क्या संबंध है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मूल का योग बी बाई ए, वैसे तो माइनस माइनस बी ए बाई ए, तो माइनस फिर माइनस बी बाई ए, बी बाई हो गया, और मूल गुणनफल ये हो गया सी बाई। अब ये दो कंडीशन आ गई, अब अपन को ऐसा सूत्र जनरेट करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा सारे लुप्त हो जाए और ए बी सी में रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू इससे कैसे आएगा, हाँ वो बन हो जाएगा, सही है सही है, ये बन हो जाएगा ना, ये लिख दिया सही है। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी बटा ए का होल स्क्वायर हो गया, ये बन हो गया, और ये सी बन, मतलब आपको इसमें से ऐसा रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा जो साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट कर दे और ये बी सी में रह जाए रिलेशन। अब इसको अपन ए स्क्वायर से गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू सी ए, ए से दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी आ जाएगा ए से, चले आगे। एक्स किस मान के लिए व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन का मान न्यूनतम होगा, तो दो तरीके, एक तो अवकलन करके और एक होता कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन को एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव, ये लिख दो चाहिए लिख दो चाहिए लिख दो एक बार, हाँ ये अब तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसकी वैल्यू है ना ये तो जीरो जीरो से ज्यादा रहती है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी पांच आ गई, नहीं तो जुड़ेगा कुछ नहीं, स्क्वायर है जुड़ेगा, और कब आएगी तो x बराबर दो रखोगे ना तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, क्योंकि कुछ भी तुमने इसके अंदर वैल्यू रखने की करी दो के खिलाफ, तो ये अंदर की संख्या नेगेटिव हुई चाहे पॉजिटिव हुई स्क्वायर होकर ऐड कर देगी इसके साथ, तो x बराबर दो पर ये मिनिमम देगा, ये y मान लो तो y मिनिमम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाँच, तो मिनिमम वैल्यू तो पाँच होगी, किस पर होगी दो पे। एक तरीका है तो एक डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हो, वो क्या है y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स से कर सकते हो, ये अगर टू एक्स माइनस फोर और कोई जब मैक्सिमम मिनिमम मैं निकालता है ना तो उसका डी वाई डी एक्स क्या होता है जीरो, तो टू एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया टू। अब ये क्या पता चलेगा कि ये टू ये मैक्सिमा या मिनिमा, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है,
फिर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू आएगी 2। तो ये ग्रेटर देन 0, जब ये ग्रेटर देन 0 आ जावे तो उस पर वैल्यू मिनिमम होती है, और ये लेस देन 0 आती है ना तो वो मैक्सिमम होता है। तो दो मेथड कंप्लीट स्क्वायर में, हाँ 5 आएगी ना, 5 या 5 से ज़्यादा। इसमें देख लो दो पे आ रहा है ना, ये दो रख के देख लो, दो आया, दो रख के देख ले तो देखो यार दो आया ना आपने बोला, दो का स्क्वायर माना 4 × 2 + 9, तो ये दो दो ने 4, 4 × 9 = 13, और 13 में से 8 गए 5। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, स्क्वायर बनाना पड़ता है। चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक मूल 4 हो जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू के दोनों मूल बराबर हो तो क्यू का मान क्या होगा? देखो ये क्या कह रहा है, इसका एक मूल 4 है तो 4 इसको संतुष्ट करेगा, तो 4 पी की वैल्यू वहां से उठा के रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 और क्या मूल है ये 16, मूल का मतलब उसको संतुष्ट करो, तो क्या आ गया पी की वैल्यू 1 -7 आएगा कि ये आ गया आपका 4, 12 और 16, 28, हाँ 28 -7 ये वैल्यू इसमें रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू बराबर 0। अब इसके मूल कैसे है? बराबर है तो मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका लगा तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल बराबर के 4 × 1 × q, तो q बराबर आ जाएगा 49 इधर ले गए अपॉन 4। लैम्डा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 के अलग अलग मूल रखता है, तो अलग अलग रखता है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बराबर, नहीं बराबर तो समान रखता है, लेजेंड में काल्पनिक रखता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 4ac लैम्डा प्लस 3 और प्लस 1, ये तो हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 10 लैम्डा, भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, बाकी 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने कल, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 14 लैम्डा और ये प्लस 13, फैक्टर करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा माइनस लैम्डा 13 ग्रेटर देन 0, लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा माइनस 13 माइनस 1 लैम्डा माइनस 13 जीरो, तो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 13, ठीक है। अब उसको नंबर लाइन पे सेट करो ग्रेटर, तो मूल क्या कहेंगे 1 और 13, सारे पॉजिटिव है लैम्डा के कोफिशिएंट, तो इधर लिखो प्लस माइनस प्लस। अच्छा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कौन सा इंटरवल लोगे? प्लस वाला, एक तो ये और एक
ओपन इंटरवल इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब ए को लैम्डा 13 को इंक्लूड नहीं करना, तो लैम्डा की जो रेंज आएगी माइनस अनंत से 1 यूनियन 13 से इनफिनिट, मतलब लैम्डा का मान या तो 1 से छोटा हो या लैम्डा का मान 13 से बड़ा हो। इसको सिर्फ कि लैम्डा लेस देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 13, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो कि 13 से अनंत तक हो या माइनस 1 से इधर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका कौन सा आ गया आंसर, लैम्डा का मान 13 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 के दो मूल का योग शून्य है, तो समीकरण के सभी मूल क्या होंगे? दो मूलों का योग खुद शून्य का मतलब है एक मूल अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। दो मूल अगर योग शून्य है तो एक 100% बराबर विपरीत चिन्ह के, नहीं तो दूसरे संख्या जीरो नहीं हो पाएगी, ये कलर ले लें। तो दो मूल तो योग है, और तीसरा मूल अपन और मान लेते हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो था माइनस बी बाई ए, तो माइनस पता ये है तो 3 घात का, लेकिन माइनस बी बाई इसका इसका कोफिशियंट भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ना वो सेकंड का, तो क्या आएगा माइनस 3 बाई ए की वैल्यू बहुत। अरे तीन मूलों के लिए भी लगता है, 4 के लिए माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, फिर प्लस एफ इस तरह। अब ये तो कट गए तो एक मूल की वैल्यू और आ गई कितनी होगी 3, एक मूल तो 3 हो गया और दो मूल बराबर है, तो आप ऑप्शन सेव कर सकते हो, एक मूल तो 3 और दोनों मूल बराबर विपरीत होना, कौन सा ऑप्शन है? देखो ये तो 2 और 5 गलत 3 गलत हो गया, ठीक है 3 के अलावा दोनों मूल, एक 3 हो गया तो माने 2 रह गया, ये गलत हो गया। फिर इधर बाकी दूसरा मूल भी निकालना बता दूं, गुणनफल देखो अल्फा माइनस अल्फा और बीटा गुणनफल, देखो ये क्या होता है, ये तो मूलों का जोड़, ये होता है तो दो दो मूलों का जोड़, और ये तो तीनों मूलों का, मतलब ये तो समय ये होता है ना माइनस समय से अल्फा अल्फा, ये तो होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है समय से अल्फा बीटा, ये सी बाई ए, ये होता है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए जोड़, मतलब अल्फा सिंगल सिंगल फिर डबल डबल का पेयर फिर ट्रिपल ट्रिपल का पेयर, तो इससे ही करके तो 3 का इससे आ गया, तो माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 12, ए ए की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा यहां पे हो गया अल्फा स्क्वायर और ये बीटा, बीटा का मान कितना 3, तो बीटा 3 है तो ये तो कट गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4, तो अल्फा कितना आ गया, ये मैंने बता भी दिया, बाकी उससे कर सकते ऑप्शन। चले आगे, समीकरण x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 1 माइनस कितने मूल है, देखो इससे तो ये कट गया, सेम संख्या काट दो और ले जाते, तो x बराबर क्या गया 1 आ गया, लेकिन अगर इसमें क्या होता कि जब मूल लिख लिया तो वो संतुष्ट करने चाहिए, आनंद नहीं आना चाहिए उनसे, मानो तो x बराबर 1 रखा तो ये तो फिर काल्पनिक आ गया, x बराबर 1 मूल तो आया लेकिन वो भी इसको समझ कर x बराबर 1 रखते ही फिर गड़बड़ हो रहा है ना, अनिधार्य आ गया, मतलब कहने वाला अनंत आ रहा है, आनंद नहीं लेना, तो क्या होगा कोई मूल ही नहीं, फिर ये मूल तो आया लेकिन वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, एक्स बराबर 1 माइनस 1 कोई भी वैल्यू आनंद नहीं करनी चाहिए समीकरण को, सुनना मूल वो होता है जो समीकरण को जीरो कर दे, मूल वो नहीं होता जो समीकरण को अनंत कर दे, मूल वो होता है जो समीकरण को जीरो कर दे, जीरो थोड़ी कर रहा है तो अनंत बना रहा है, तो फिर मूल ही नहीं है।
आई वो सर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो अल्फा एक बटा अल्फा दोनों मूलन बराबर, एक मूल अल्फा दूसरा एक बटा अल्फा, इसको होता है सी बाई ए, तो क्या सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, मूल गुणनफल माइनस जोड़ तो होता माइनस बी बाई ए, गुणनफल होता सी बाई ए, इसकी वैल्यू वन हो गई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वन प्लस एम स्क्वायर, तो सी बराबर हो गया ए स्क्वायर, अच्छा ये आ गया ना वन प्लस एम, ये आ गया ना, जरूरत ही नहीं करने की, मैं सुन रहा हूँ जरूरत ही नहीं, यही आ गया, चला गया, इसका कितना आएगा आंसर, साइन ई की पावर एक्स फाइव एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स का मान क्या होगा, नहीं हुआ, एक फॉर्म लिखो क्या होता, कोई नंबर धनात्मक हो प्लस एक अपॉन धनात्मक, क्या कोई नंबर हो उसी का इनवर्स का धनात्मक सेम, जैसे तीन प्लस एक बटा तीन, चार प्लस एक बटा चार, सेम नंबर होना चाहिए, वो मान हमेशा दो या दो से ज्यादा होता है, क्या होता है, हमेशा ही कोई सा नंबर उठा लो आप, लेकिन सेम नंबर का इन्वर्स लिखा मैंने, जो भी आप नंबर पॉजिटिव ले रहे हो उसी का इन्वर्स करना, तीन प्लस एक बटा तीन, चार प्लस एक बटा चार, ऐसे, क्योंकि ये भी इन्वर्स ही है, देखो ये होगा फाइव की पावर एक्स, ये फाइव की पावर एक्स, ये भी इसका इन्वर्स है, ये देखो ये फाइव एक्स और ये फाइव की पावर, ऐसे लिख सकते ना, तो ये हो गया साइन ई की पावर एक्स, सही है, अच्छा ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, अब ये हो गया साइन ई की पावर एक्स, ठीक है बराबर, अच्छा ये मान आ रहा है दो या दो से ज्यादा, और साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन ही रहती है, तो बराबर तो कभी होंगे नहीं, साइन के अंदर देखो ई एक्स की पावर एक्स का मान अंत, लेकिन साइन के अंदर आ गया तो साइन तो अपने हिसाब से मान देगा ना, साइन का मान तो साइन के अंदर एक्स की जगह ई एक्स डाल दिया तो ई एक्स तो चाहे अंत तक चला जाए, लेकिन साइन जैसे ही लेगा तो माइनस वन से प्लस वन दे देगा मान, और इधर कितना रहा दो से ज्यादा, तो संतुष्टि नहीं होगा ना, तो क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है शून्य, ठीक है नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन रो, ऐसे सुनो, ये दो या दो से ज्यादा, ये मान आ रहा ना, ये मान आएगा दो या दो से ज्यादा, तो इसको संतुष्टि नहीं करेगा, आया नहीं ए एक्स उसका अपना बी एक्स प्लस सी के मूलों का अनुपात आर है, मूलों का अनुपात आर, आर का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर आर है, मूलों का अनुपात आर, तो आर की जगह अल्फा प्लस बीटा रखते, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा, रख सकते हैं उसको, अब इसका क्या होगा देखो, ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा, तो इसको अगर करोगे तो आ रहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल करो, अब इसका मान रख ए एक्स उसका प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया सी बाई ए, तो हो गया बी स्क्वायर ए ऊपर कट जाएगा ए सी आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा ए ऊपर जाएगा कर देगा,
तो ये आ जाएगा 20 पर 15 से। आगे सुनिए, चले आगे। टू प्लस आयटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का एक मूल है, तो ए का मान क्या होगा? देखो टू प्लस आयटा ये है, तो दूसरा मूल टू माइनस आयटा होगा, संयुग्मी होते हैं कार्य, बस आता है ए, ये तभी होता है संयुग्मी ध्यान ना, क्या इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट और ये क्या हो, परमेय संख्या हो। ए बी सी जब परमेय संख्या होते हैं तो मूल ए बी सी, ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में ए बी सी अगर परमेय संख्या हो, क्या हो, संख्या हो, तो मूल संयुग्मी होंगे, ठीक है। मतलब एक मूल का मतलब अगर एक एपर में आ गया ना तो संयुग्मी होगा, काल्पनिक होगा तो एपर में होगा, मतलब उस केस में होंगे। ए बी सी पहले ही देख लेना, ये ऐसे नहीं संयुग्मी रख दिया। टू माइनस आयटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ए बी की वैल्यू इसके अंदर कोई आयटा नहीं आ रहा, परमेय संख्या बी का मान कुछ भी आएगा, चार ऑप्शन है ना, तो बी का मान कुछ भी आएगा तो है, तो बी भी परमेय संख्या है, एक इसका कोएफिशिएंट वन है, तो इसका मतलब बी का ए का मान भी एक परमेय संख्या है, तो इसका मतलब ए बी सी इसमें परमेय संख्या है, तो एक मूल टू प्लस आयटा तो दूसरा मूल क्या होगा, टू माइनस आयटा, तो टू प्लस आयटा तो एक मूल हो गया, तो दूसरा मूल टू माइनस आयटा होगा। तो ये केस कब है, काल्पनिक हो या अपरमेय हो, अपरमेय के केस में और काल्पनिक के केस में संयुग्मी होते हैं, लेकिन बस ये देख लेना ए बी सी परमेय संख्या होनी चाहिए, अदर ऐसे आंग मीच के नहीं करना है, एक सवाल डाला मैंने आगे से नहीं, तो दोनों को जोड़ क्या होगा, माइनस, ठीक है, बटा वन, तो ये आयटा से आयटा कट गया, ए बराबर चार, ए बटा वन चार, नहीं यदि एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल है, एक इसको संतुष्ट करेगा, जब एक मूल इसका संतुष्ट है तो मैं एक्स जब वन रख तो लिख दो, ये रख दो क्या, ये प्लस है वो मिट गया, वो प्लस कर लो उसको, सही तो प्लस है माइनस है, हाँ तो सही कर लो, वो क्या फोटो स्टेट ने कर दिया, नहीं तो मैंने तो उसका ब्लू प्रिंट निकाला, ऐसा कैसा, मैंने कुछ करा ही नहीं इसका, कहूँगा इस बार फोटो से थोड़ी डार्क लिए, हल्की लेता है पतंग को, तो आयटा वायटा तो दिखते नहीं ऊपर के, आयटा डॉट है वो पतंग का उड़ जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, एट sec स्क्वायर थीटा सिक्स sec थीटा प्लस वन के मूलों की संख्या क्या होगी, करा नहीं करा, गलत हो गया, देख कोई दिक्कत हो पहले गुणनखंड कर लेता, एट sec स्क्वायर थीटा माइनस फोर sec थीटा माइनस टू sec थीटा प्लस वन बराबर जीरो, तो फोर sec थीटा कॉमन ले लिया, sec थीटा माइनस वन टू sec थीटा सही, और इधर टू sec थीटा तो फोर sec थीटा माइनस वन और टू sec थीटा माइनस वन वाला चाहिए,
ठीक है। अब ये हो गया फोर sec थीटा माइनस वन बराबर जीरो, तो sec थीटा बराबर एक बटा चार, ठीक है। और यहां रहा टू sec थीटा, तो sec थीटा बराबर एक बटा, ठीक है। लेकिन sec की वैल्यू दो से ज्यादा होती है हमेशा, ये क्यों है, क्योंकि ये sec थीटा अगर ये चार है ना, तो cos थीटा चार हुआ ना, तो गलत हो गया ना। sec की वैल्यू एक एक से ज्यादा रहती है, sec cos का ही तो इन्वर्स होता है, cos जब एक से कम एक से होगा तो उसका इन्वर्स एक में भाग दोगे तो हमेशा ज्यादा, cos sec sin और cos हमेशा एक एक से कम होते हैं, तो sec और cos हमेशा एक एक से ज्यादा रहता है, तो ये तो गलत हो गया ना। जब ये गलत है, ये गलत है, तो ये गलत हो गया, ऐसे ही सेम ये भी गलत हो गया। cos theta कितना रहा, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो मूल हुए नहीं ना, संतुष्ट होंगे नहीं, नहीं। जैसे वो सवाल आया था ना sin e की पावर x, ऐसे ही। तो इसके मूलों की संख्या जीरो होगी, आया नहीं आया, कोई बात, ऐसी चीजें बहुत सी सीखने मिलती है, यही तो है ना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के मूलों का संख्यात्मक अंतर, अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा, तो क्या जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट, ये होता है। अब इसमें वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 36 माइनस फोर ए सी छत्तीस माइनस चौबीस रूट बारह, ये आ गया। चले अब देखो यहां पे समीकरण के मूल टू माइनस आइटा है ना, तो दूसरा टू माइनस आइटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, आइटा ये और ये ए बी सी परिमेय संख्या नहीं है, तो सेम में मूल नहीं होते, मैं इतनी देर से एक चीज समझा रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी सी अगर परिमेय संख्या हो तो मूल जो होते हैं ना सेम ही नहीं होते, फिर मूल निकालने पड़ते हैं, ऐसे नहीं करते दो प्लस आठ दो माइनस आठ नहीं सकते, ऐसे ही परिमेय संख्या हो ना अपरिमेय संख्या हो तो अपरिमेय भी सेम ही नहीं होते, अपरिमेय और ये काल्पनिक के केस में सेम ही नहीं होते, ए बी सी कैसे होनी चाहिए उस केस में परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है, अरे बात समझाई, तो अपन को दूसरे तरह से निकालना पड़ेगा, कौन सा, हाँ तो इसे ये तीन इन फॉर्म में से निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस जी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, और ये आपका जो है ना ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इन तीनों की सहायता से निकालो, आप टू माइनस टू प्लस आइटा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ये तो सब जगह लागू है, लेकिन जो अपने लिखा है ना कि मूल सही में होंगे वो गलत हो जाता है, फिर आप इनकी सहायता से निकालो जो कुछ करना, समझा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में ए बी सी परिमेय हो तो मूल का क्या होता है सही में होता है, तो मूल और ए बी सी अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाए रूट टू एक्स स्क्वायर
मतलब 4x प्लस 3, तो भी आप नहीं करोगे, तो आप ऐसे इनकी सहायता से निकालोगे, आप ऐसे नहीं कर दोगे 2 प्लस आटा 2 माइनस आटा, ऐसे नहीं करोगे। अरे कुछ पल्ले पड़ी बात देख। हाँ अब देखो मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं, बस सारी एक मूल 2 माइनस आटा है, तो एक मूल मूलों 2 माइनस क्या है 2 माइनस आटा, एक मूल बीटा मान लो, ये तो अल्फा हो गया, तो सी वाई ए में लगा देते हैं, तो 2 माइनस आइटा अपॉन आइटा, 2 माइनस आइटा अपॉन आइटा, क्या करें ना। अरे भाई या तो मैं इसको ले लूँ या इसको ले ले भाई, एक मूल पता है ना, तो चाहे एक मूल पता दूसरा के सी वाई ऐसे करूँ चाहे वी वाई ऐसे करूँ, तुम्हारी इच्छा है। इन फॉर्म को तो काम में ले सकते हो, लेकिन आप सेम ही नहीं बोलोगे, बस इतना सवाल। तो मैंने किसे कर दिया मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 2 माइनस आइटा अपॉन आइटा, 2 माइनस आइटा से कट गया, तो बीटा कितना है 1 अपॉन आइटा, अब आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो होगा माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस वन हो तो माइनस वन पूछा, यह आएगा उत्तर। पास्ट आ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। पहले एबीसी को चेक करना, सेम में आंख मींच कर नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं है, रूट टू भी आ जाएगा ना, जैसे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और एक मूल कहते हैं 2 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा मत लिख देना, क्योंकि ये क्या आ गया, एपर में संख्या आ गई, एपर में संख्या, तो आप उससे निकालो, चले आगे। माइनस वन माइनस ये, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, माइनस वन माइनस 3 आयोटा, तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको है ना माइनस वन इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ रूट 3, हाँ वही कर रहा हूँ। ये लो ऐसे ले सकते हो, ठीक है, तो इसके अंदर ये तो जो वैल्यू होती है ना, ये आर कॉस थीटा वो होती है माइनस वन, आर साइन थीटा बराबर होती है, तो आर की वैल्यू तो आ गई माइनस दो, और टेन थीटा वो होती है वाई बटा एक्स, तो माइनस रूट 3 अपॉन ये, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, ये एंगल आएगा, ये दोनों नेगेटिव, तो ये हो गया 60 डिग्री एक तरह, तो ये एक्चुअल में ये एंगल हो गया टोटल यहाँ से तक का, या तो ये लो भाई, ये आपको मान आ रहा है ना, ये आएगा टोटल आपका 240 डिग्री, क्वाड्रेंट देखा, काटा मत करो, काट दो, काटना मत, इसमें कभी काटना अलाउ नहीं जाना, क्वाड्रेंट सेट डिसाइड होते हैं सर भाई, दोनों पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव हैं भाई, इसमें देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो काटना मत, वैल्यू निकाले ना एक बार, फिर ये 60 डिग्री है, एक बार काट के वैसे एंगल निकाले, फिर इसमें ये जोड़ना, ये 60 डिग्री आएगा, फिर ये इसको काट रूट 60, तो 240 है, ठीक है, और इधर से लिखोगे तो माइनस 120, तो आप इसको, क्योंकि इसने आंसर 4i वाला तो दिया नहीं है, क्योंकि 240 होता है ना, अच्छा 120 रखोगे इसको आप, 4π/3 है ये, कितना, और पाई वाला 180 होता है ना, 2π/3 120 होता है, 2π/3 130, तो ये तो इसमें 4π/3 ऑप्शन में तो है नहीं, तो माइनस वाले लेते हैं,
तो आप ऐसे ले लो कॉस माइनस 2π/3 आयटा साइन माइनस 2π/3, ये भी ले सकते हो, और ये आपका हो गया 2 आगे 12 आगे, या तो ये भी सही है और एक ये भी सही है, कॉस 4π/3 आई साइन, ये भी सही है, या तो इधर से लिखो या इधर से लिखो, इधर से लोग नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इधर से लिखोगे तो, क्योंकि इधर से 240 होगा तो इधर कितना होगा 120, 120 भी ले सकते हो लेकिन माइनस 120 लिखना पड़ेगा, तो ये भी सही है और ये, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या होगा कॉस 2π/3, अच्छा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, ये होगा प्लस का और माइनस का, देखो सही है। तो एक तो सबसे पहले तो ये आप काटोगे नहीं, फाइव प्लस 12 आयटा का वर्गमूल है, देखो ऐसे कर सकते हो चाहो तो, फाइव प्लस 12 दोनों तरीके, एक तो ट्रिक भी है और वैसे 12 आयटा रूट बराबर एक्स प्लस आयटा वाई, माना स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 5 प्लस 12 आयटा और x प्लस आयटा y को होल स्क्वायर करोगे ना तो आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयटा, तो आयटा y स्क्वायर का माइनस 5, अब इसको रियल की तुलना तो रियल का, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर तो 5 और 2xy बराबर है 12, और इससे इसका मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे सहायता से, ये होता है, ये निकालिए इसकी सहायता से फॉर्म में, एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस 2x स्क्वायर, ये आ रहा देखो, अब इसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है 25, और ये कितना हो गया 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, अब दोनों को सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5, दोनों को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 18, x बराबर आएगा प्लस माइनस 3, ठीक है, और दूसरा जो आपका आएगा y का मान, एक में रख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटा ले आपस में, तेरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर 8, 4, तो कौन सा आ जाएगा, टू आएगा ना, तो कौन सा आएगा, बाकी एक ट्रिक सीख लो, एक्स प्लस आयटा वाई का बरमूल, मतलब ए प्लस आयटा वाई, सॉरी ए प्लस आयटा वाई का बरमूल, ये से लिखो जेड
प्लस ए, ए कौन ये बटा टू, अच्छा ये बीच का प्लस है तो प्लस लेना, ये बीच का प्लस हो ना तो प्लस लेना, और जेड माइनस ए ये आपका आयोटा। ये प्लस माइनस ये तब फॉर्मूला लगेगा, देख लो जेड इसका मापांक कितना आ रहा था, 5 × 13 और 13 में ए का मान रखो, ए कितना है 5, 5 है ना, 13 + 5 = 16 और 16 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 का रूट 3 और प्लस है तो ये बीच में प्लस लेना, और ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 गए 8, 8 में 2 का 4, चलें जेड प्लस 5 जेड प्लस अधिकतम मान, देखो क्या होता है जेड वन प्लस जेड टू का जो मान होता है ना वो हमेशा इससे तो छोटा होता है और इससे बड़ा होता है, इसकी रेंज होती है जेड प्लस जेड टू मान इससे छोटा और इनका अलग से कर, भाई ये नेगेटिव भी आ सकता है, इसको मोड कर दिया, इसका मोड से भी बड़ा होता है। ये थ्योरम है ये। अब देखो जेड प्लस टू का मतलब होता है इसको अपन इसका इसमें ऐसा करो जेड प्लस टू ऐसे लिख दो, मतलब इसका मान पूछा ना तो सबसे पहले इसमें चेंज करो उसको, ये दिखना चाहिए, ये तो वैल्यू रखोगे सी तो जेड प्लस टू को क्या लिख दिया जेड प्लस 5 माइनस 3। अब इसका मान क्या होगा जेड प्लस 5 प्लस माइनस 3 ऐसे लिखो, ये पूरी संख्या एक हो गई, ये संख्या अलग कर दो, इसको क्या करो जेड प्लस 5 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हो इसको, भाई इसको लिखो जेड प्लस 5 प्लस माइनस 3 ऐसे ऐसे, तो इसका मान वैसे तो, और इसका न्यू अब इस वैल्यू रख दो समय, तो इसको इसका मान जाएगा जेड प्लस 5, जेड प्लस 5 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू 3 और इधर इसकी वैल्यू 2 माइनस इसकी वैल्यू 3 का मोड, तो बाहर का मोड और आगे का, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना इस पूरे वैल्यू मतलब ये डालिए जेड प्लस 2 ये है, इसका मान 1 से तो हमेशा बड़ा होगा और 5 से हमेशा छोटा होगा, ये थ्योरम काम आ रही है। चला गया इकाई का घनमूल हो तो को इसका 1 प्लस, देखो इसके अंदर क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ना वो 0 होता है और ओमेगा 3 बराबर 1 इकाई के मूल,
और इसके मूल होते हैं ना, एक के मूल, एक के मूल होते हैं एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को सोल्व करो, पहले वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का पाई, और यहां वन प्लस ओमेगा प्लस वाले ले लो मतलब, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव माइनस बत्तीस और पूरा कोष्टक लो, तो माइनस टू ओमेगा हो गए, तो माइनस टू ओमेगा की पावर फाइव, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर की पावर फाइव माइनस बत्तीस, माइनस टू बाहर निकाल दो, तो माइनस टू की पावर फाइव माइनस टू की, तो माइनस बत्तीस हो गया, और अंदर आएगा ओमेगा की पावर फाइव प्लस ओमेगा की पावर टेन, माइनस बत्तीस इसका माइनस बत्तीस निकाला ओमेगा फाइव ओमेगा टेन, तो माइनस बत्तीस, और चाहे तो इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो और इसको ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा नाइन बराबर वन हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो माइनस बत्तीस तो जीरो आएगा, चले आगे। ये तो सिंपल है, आयटा की पावर फोर एन और आयटा, आयटा की पावर फोर एन और आयटा की पावर माइनस वन पावर टोली अपॉन टू। अच्छा ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो ये हो जाएगा आयटा ठीक है, तो ये आपका हो गया आयटा स्क्वायर माइनस वन, अपॉन टू आयटा, और आयटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस टू, और आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जो हमेशा आयटा को ऊपर ही रखते हैं इसलिए सारे उत्तर, तो ये कितना हो जाएगा, ये टू हो गया ना, बाय आयटा माइनस वन, तो माइनस टू से माइनस टू कट गया, सही है। जेड प्लस जेड माइनस वन का न्यूनतम मान क्या, ये क्या मतलब है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई जेड है ना, देखो जेड माइनस तीन इसका मतलब क्या होता है, जेड कोई नंबर एक्स प्लस वाई है वो तीन जीरो से दूरी, ये एक्चुअल में क्या है एक्स प्लस आयटा वाई है, माइनस तीन है ना, तो अपन ऐसे जैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस तीन का स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि एक्स वाई की तीन जीरो से दूरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट
तो यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये तीन जो आता है ये, तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई नंबर जेड है तो इसकी, तो ये जेड है ना, तो ये तो हो गया जेड की जीरो जीरो से दूरी, इसको क्या लिखेंगे, जेड की एक जीरो से दूरी, काल्पनिक लिखते हैं, ये रियल पार्ट है बाकी काल्पनिक लग रहा। जैसे बताओ एक थोड़ा, जेड माने जेड जीरो का मतलब क्या होता है, जेड की जेड जीरो से दूरी मतलब कैसे है, मतलब है एक्स प्लस आयटा वाई, एक्स जीरो प्लस आयटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं एक्स एक्स जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई जीरो का होल स्क्वायर का रूट, ऐसे लिखते हैं इनडायरेक्टली। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स, ये एक्स प्लस आयटा वाई है, ये एक्स जीरो प्लस आयटा वाई जीरो है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये संख्यात्मक मान का मतलब होता है इसका जेड की कोमा से दूरी, ये होता है मतलब इसका दूरी होती है हमेशा ये इस वाले से। अब अपना सवाल क्या है, जेड अब ये जेड की जब कुछ नहीं होता तो जीरो जीरो लिख लेते, इधर क्या लिख लो, जीरो 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 है ना, ऐसे इसको भी माइनस वन और जीरो मतलब आटा। हाँ तो ये तो हो गया जेड की किससे जीरो, जीरो जीरो से दूरी, और इसकी कितनी वन और जीरो, ये कोई जेड है मतलब इससे दूरी और इससे दूरी, जेड की जीरो जीरो से दूरी और जेड की वन जीरो से दूरी। अभी मिनिमम चाहिए अपन को, मिनिमम कितनी होगी, ये प्लस है ना, अभी जेड को मैं कहीं पे ले सकता, जेड एज ए कहाँ पे है स्पेस में, कहीं पे भी नंबर हो सकता है, जेड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ तो यहाँ पे रखोगे जेड कहता आएगा, देखना ये मिनिमम दूरी भाई, ये दूरी का जोड़ है इंडा, ये दूरी और ये दूरी का जोड़ है, जेड की जीरो जीरो से दूरी, जेड की एक जीरो से दूरी का जोड़ प्लस है ना, जोड़ होता है हमेशा, डिस्टेंस होती है बीच की डिस्टेंस, जेड जीरो जीरो से दूरी और जेड माइनस दूरी। अब बताओ क्या रखो, बताओ इस जेड को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये दूरी और जेड की इससे दूरी और इससे दूरी, क्योंकि जेड का मान मैंने यहाँ रख दिया तो ये दूरी ज़्यादा आएगी, तो दूरी सबसे कम क्या होगी बीच में, तो जेड की इससे दूरी और इससे दूरी का जोड़ एक आ गया, टोटल डिस्टेंस भाई इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, तो ये टोटल यहां से आता की दूरी भाई, जेड की इससे दूरी और जेड की इससे दूरी कम से कम यही तो होगी, तो क्या हुआ एक हो गई भाई, जीरो जीरो और एक जीरो से दूरी दोनों एक्स एक्स पे है ना, तो क्या आ गई एक न्यूनतम। हाँ हाँ जेड यहाँ जीरो बन, लेकिन ये क्या करा, ये जेड यहाँ पे ले लिया मैंने, तो जेड की इससे दूरी और जेड से इसी दूरी, अगर मैं जेड को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले न्यूनतम मान क्या बोला, हाँ जेड यहाँ, तो जेड से इसकी दूरी और जेड से इसकी दूरी ज़्यादा होगी ना, जेड को यहाँ से ले लिया, जेड यहाँ पे ले लिया, तो जेड से इसकी दूरी और इससे दूरी। अब ये होता है ये जेड कहीं पे भी स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, उसकी न्यूनतम दूरी बताओ दोनों को जोड़ो, तो जेड को इसके बीच में रखो आप, फिर ये दूरी आएगी, देखो यहाँ पे रखोगे तो ये दूरी का जोड़ आएगा, यहाँ पे रखोगे जेड को तो इससे दूरी और इससे दूरी का जोड़ आएगा, और यहाँ से रखो तो इससे दूरी इससे दूरी, और यहाँ पे रखोगे तो इससे और इससे दूरी का जोड़ आएगा, तो इंडली यहाँ से आता का जेड को खूब मूव करो, जेड को वेरी वेल पॉइंट है वो, जेड ऐसी जगह रखोगे न्यूनतम दूरी आए कितनी आएगी, जेड को यहाँ रखोगे तो भी यहाँ से आता की दूरी, ये एक्चुअली जो बताते हैं ना ये होता है जेड माने जेड जीरो का मतलब अर्थात होता है, इसका मतलब ये होता है जेड की जेड जीरो से दूरी, तक के देख लो आप एक्स प्लस आटा वाई रखो इसको एक्स जीरो प्लस आटा वाई रखो तो कितना आएगा एक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ये। जेड फोर वाला आयटा तो जेड का मान क्या होगा, देखो जेड फोर बराबर आयटा तो जेड बराबर आयटा की पावर वन बाई फोर। अब इसको डी मॉर्गन थ्योरम चेंज कर लेते हैं, तो इसको ले सकते हैं वन वो जीरो प्लस
आयता, ऐसा ले सकते। अब ये क्या है, एक्चुअल में काल्पनिक भाग है, तो काल्पनिक भाग में आता है कॉस पाई बाय टू पूर्णांक। पता है या नहीं पता? ये प्योर काल्पनिक है, रियल पार्ट ही नहीं इसमें। नहीं तो ऐसे लिख लो आप, आर कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो। आर साइन थीटा कितना आएगा, वन। तो आर की वैल्यू आएगी वन, और थीटा की वैल्यू तो वाई बटा वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, तो थीटा होता पाई बाई टू। प्योर काल्पनिक नंबर है, प्योर रियल नंबर नहीं है, प्योर काल्पनिक। क्या? हाँ पाई बाई टू, ठीक ठीक, पाई बाई टू, पाई बाई टू। अब चलो तो जगह कॉस पाई बाई एट प्लस आयटा पाई बाई। क्या सर? चलेंगे मापांक मोड। देखो क्या होता है, जेड वन जेड टू जेड थ्री का मापांक बराबर जेड का मापांक जेड टू का मापांक अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग मापांक पूरे मापांक ऐसे कर लो। तो इसका मापांक निकालो, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर का रूट, ऐसे दो का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर का रूट अपॉन तीन का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर का रूट। तो ऊपर तो आएगा रूट पाँच, इधर भी रूट पाँच और इधर पाँच। अलग अलग मापांग अलग अलग चला गया। जेड माइनस फाइव आइटा जेड प्लस फाइव आइटा और वन को संतुष्ट करती है, हो गया एक्स प्लस आइटा वाई माइनस पांच आए, एक्स प्लस आइटा वाई और रियल पार्ट हुई मैंने पार्ट को अलग करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस फाइव की पावर आयटा एक्स वाई प्लस पांच की पावर आयटा। ठीक है, और इसका एक्स स्क्वायर वाई माइनस पांच का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस पांच का स्क्वायर वन का स्क्वायर कर दिया ना, वैसे रूट आता ही है लेकिन मैंने क्या दोनों तरफ स्क्वायर में कर दी, वैसे तो रूट होता बहुत लेकिन मैंने क्या दोनों तरफ स्क्वायर में। अब इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पच्चीस माइनस टेन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस टेन वाई, ये तीनों कैंसिल तो ये हो गया बीस वाई बराबर जीरो। एक्स वाई भी तो आएगा, एक्स वाई कहां चला गया, एक मिनट, नहीं 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 यही आएगा, हाँ तो वाई बराबर जीरो। तो वाई बराबर जीरो कौन सी लाइन होती है, एक्स 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 नहीं भाई, वाई बराबर जीरो किस पे लानी, यही तो होती है, ये एक्स एक्स पे पूरा वाई जीरो रहता है, ये देखो क्या होता है कि ये जो काल्पनिक भाग में इनइक्वालिटी नहीं लगती कभी, ये होता है ना आयोटा के अंदर ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता, मोड के अंदर होता है। अगर आयोटा आ गया ना तो कौन किससे बड़ा कुछ नहीं कह सकते, तो क्या आएगा, कौन सा कर्तन गलत है, सभी गलत है।
आयोटा काल्पनिक भाग में कभी ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता, मोड के अंदर होता ये धन। अच्छा इसका आंसर है ना, ये आएगा चौथा। देखो वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा की पावर एन, प्लस ही तो करा। अच्छा ये अब वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो वन माइनस आयोटा और ये हो गया दो, वन माइनस आयोटा। अब इसको खोलेंगे तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर ये टू आयोटा आएगा, क्यों ये कैंसिल हो गया, तो आयटा अब एन बराबर तो चार आएगा, ये तो चार आए या चार का मल्टीपल आए, चार आए भाई, आयटा इसको आयटा फोर होता फिर आयटा एट होता बोलो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, चार हो जाएगा, चार ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है। अगर ये पूछता ना इनमें से कोई नहीं तो प्रॉब्लम आ जाए, इसमें क्या क्या ये होना चाहिए ना, एक सुनो उपरोक्त सभी लिख देता ना मैं, उपरोक्त सभी तो न्यूनतम मैं आठ पे टिक कर देता, तो इनमें से उपरोक्त सभी में तो समय से छाटो तो आठ लिखता, तो यहाँ पे ये गलत होगी कि ये सही है, ये इन इसमें ऑप्शन ही के हिसाब से मुझे ये लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस एक ओपन एक्स टू कॉस थीटा एक्स एन बराबर। अब देखो अगर मैं एक्स को कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा मानू, मान तो एक बटा एक्स क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की माइनस वन, तो इसको ले सकते कॉस थीटा माइनस वन हो तो माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता, ये होगा। तो ये मतलब कहने बोला x बराबर cos theta प्लस i sin theta इसको संतुष्ट करता है, इसको ये संतुष्ट होकर दोनों को जोड़ोगे ना आप, देखो तो x प्लस एक अपन x क्या है, x प्लस एक से हो गया टू cos theta, दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा ये रह जाएगा, इसको इसको ये संतुष्ट कर रहा है। अब ये मान इसमें रख देता, एक्स एन तो कॉस थीटा आई साइन थीटा की पावर एन, और ये हो गया कॉस थीटा आई साइन थीटा की पावर ये एक्स एन प्लस एक ओपन एक्स एन जो समीकरण इसको भी समझो, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा डी मोरे थ्योरम है ये, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर माइनस एन, तो ये देखो कॉस एन थीटा आयटा साइन एन थीटा, और ये माइनस से गुणा करेंगे ना तो कॉस माइनस प्लस ही रहता है, एक्चुअल में ये लिखना चाहिए था कॉस एन थीटा लिखना चाहिए, लेकिन ये बराबर क्या हो जाता है इसको तैसे लिखो, और इस पे लिखते माइनस बाहर निकाल दिया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया टू कॉस टेन थीटा। चला गया मोड़ ले लो दोनों तरफ, वन प्लस आयटा एक्स
दोनों तरफ मोड़ ले लिए तो ये हो जाएगा वन अच्छा ये हो गया आइटा माइनस एक्स का स्क्वायर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ठीक है फिर स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ फिर बाप को स्क्वायरिंग वापस कर लेते हैं वर्क करने पर ये हो जाएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया वन एक बार मोड़ किया फिर स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि अपन को वैल्यू किसकी चाहिए इसकी थोड़ी चाहिए इसके स्क्वायर की चाहिए फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया चला गया यहां पे मोड़ ले लो दोनों तरफ एक्स प्लस आयटा वाई का मोड वन प्लस आयटा वाई वन प्लस टू आयटा ये लो और अलग अलग मोड सब पे बढ़ जाता अलग अलग तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर का रूट एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर रूट एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर का रूट बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अलग अलग पे लगा दिया अब ये क्या गया रूट टू रूट फाइव रूट टेन फिर स्क्वायरिंग कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो इंटू पांच इंटू दस हंड्रेड चला गया टू जेड माइनस वन बराबर टू जेड तो पी का बिंदु पथ वही टू एक्स प्लस आयटा वाई रियल पार्ट को लग करो इमेजिनरी पार्ट को लग करो तो ये होगा टू एक्स टू वाई तो ये अगर 2x माइनस वन का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर रूट आएगा मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ साथ साथ ये देखा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या करा मैंने दोनों तरफ रूट लगा मैंने स्क्वायरिंग ही कर दिया साथ साथ इसका भी रूट हटा दिया दोनों तरफ हटा दिया ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गए तो फोर एक्स बराबर वन तो एक्स बराबर एक बटा चार एक्स बराबर एक बटा चार कौन लगा होता ये लाइन का समीकरण है ये एक्स एक बटा चार लगातार ये आई लाइन एक्स बराबर एक बटा चार पे वर्टिकल लाइन क्या नहीं आया सर
एक्स आर वायर कॉस्ट टू की पावर आर प्लस आइटा साइन क्यूब टू की पावर आर, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का मान क्या हो? नहीं हुआ, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है ना, इसको ई आई थीटा लिखते हैं। पता नहीं, पता आयलर फॉर्म होते हैं ना, तीन तरह के फॉर्म होते हैं, ध्रुवीय फॉर्म, ये कार्टिजन फॉर्म और एक आता आई की फॉर्म। तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो यहां पे वैल्यू आ रही है पाई, हाँ पाई अपॉन टू आर आ रहा है ऐसा। तो ये एक्चुअल में हो गया एक्स आर है ना, वो ई आयटा पाई अपॉन टू आर पे पावर आर आई। देखो थीटा की जगह आ रहा है पर ये ना, तो यहाँ पे देखो आई आ रहा है ना ये। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गई, कॉस पाई बाई टू आर आयटा हो रहा है ना, अब वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स की पावर इंफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें आर का मान, एक्स वन का मतलब क्या है कि यहां पे वन रखोगे आप तो ये एक्स वन आ जाएगा, और जब टू रखोगे ना एक्स टू तो टू आर की जगह टू टू रखोगे, तो ये हो गया ई एक्स की जगह वन रखोगे पाई अपॉन टू आयोटा। फिर ई की पावर पाई टू की पावर टू आयोटा, आर की जगह मैंने कह रहा था दो। फिर एक्स थ्री पाई अपॉन टू की पावर थ्री आयोटा। गुणा होना एक्स वन आर आर है ना टू की पावर आर, तो आर की जगह वन रखा या गया, आर की जगह टू रखा, आर की पावर तीन रखा या गया। अच्छा ये घातांक के नियम से जुड़ जाएंगे सारे, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं ई की पावर पाई बाय टू आयोटा पाई अपॉन टू की पावर टू आयोटा पाई अपॉन टू की पावर थ्री आयोटा डेट डेट एस आयोटा बाहर निकाल दो, ई की पावर पाई बाय टू प्लस पाई बाई फोर पाई बाई एट, ऐसे टू की पावर फोर आएगा तो पाई बाई सिक्सटीन, और ये हो गया आयोटा। सही है। अच्छा अब ये क्या है, ये जीपी है, ये पाई बाई फोर में पाई बाई टू को भाग दोगे तो एक बटा दो आएगा, पाई बाई एट में पाई बाई टू जीपी आएगा, और आर का मान एक से कम है, अनंत पदों का योग होता है ए वन माइनस आर, ये होता है। तो ई तो ये दो, और इसका योग आएगा ए पाई बाई टू पहला पद अपॉन ई पे चलेगी पावर ये जोड़, और वन माइनस आर हाफ, और ये आयोटा आठ बार। ये जो जी पी है ना ई के पावर पर है, ई पे पावर चलेगी, जोड़ोगे फिर पावर लगाओगे, तो ये तो हाफ आ गया, हाफ से हाफ कर जाएगा तो ये क्या आ गया पाई, तो ये हो गया ई पाई आएगा, समझ नहीं है, एक बटा दो आएगा, एक बटा दो कर जाएगा इसको। अब इसको खोलो, इसको होगा कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई। अच्छा साइन पाई की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन। ये डी उसमें डी मोहर थोड़ा में चेंज करो उसको, देखो इसको चेंज कर तो आर कॉस थीटा बराबर है वन
आठ साइन थीटा बराबर है रूट तीन, तो टेन थीटा बराबर है रूट तीन अपॉन वन, ये हो जाएगा थीटा बराबर फाइव बाई थ्री, कॉस सिक्सटी वैल्यू ये, तो इसको तुम लिखोगे ना इसको, तो ये तो आएगा आर कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा दो दो, इसको कर रहा हूँ खाली इसको दो, और कॉस पाई बाई थ्री आई साइन पाई बाई थ्री की पावर टेन, टेन ऊपर चला गया, सेम प्लस। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, आर कॉस थीटा बराबर तो है वन और आर साइन थीटा बराबर है माइनस रूट तीन, चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये एंगल आपका सिक्सटी बनता है ना, तो ये नीचे वाला माइनस सिक्सटी बनता है, तो ये प्लस लगा के टू वही सेम आएगा, कॉस माइनस पाई बाई थ्री प्लस आयटा साइन माइनस पावर थ्री की पावर टेन, एक एंगल सिक्सटी बनेगा माइनस सिक्सटी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा टू की पावर टेन और ये हो जाएगा कॉस टेन पाई बाई थ्री आयटा साइन टेन पाई बाई थ्री, एन पावर अंदर ले ली, प्लस टू की पावर टेन कॉस माइनस टेन पाई बाई थ्री आयटा, इसको बाहर मानने निकालो, कॉस माइनस थीटा माइनस आयटा साइन टेन पाई बाई थ्री, और इसको प्लस कर लो, क्या करा मैंने बताओ, ये है ना टेन, ये कॉस माइनस प्लस हो जाता है, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये बाहर आ जाता माइनस है तो माइनस है लग गया, इससे ये संख्या कट जाएगी बाहर, ये कट जाएगी, अब देखो टू की पावर टेन, टू की पावर टेन सेम संख्या ये, तो अब देखो टू की पावर टेन इंटू टू कॉस टेन पाई बाई थ्री, डबल हो गया, तो ये हो गया टू की पावर इलेवन, कितना हो गया हाँ, और कॉस टेन पाई बाई थ्री, ठीक है, अब ये हो गया टू की पावर इलेवन थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, अच्छा इसमें टू पाई हटा दो, तो आप इसको ऐसे कॉस और आ रहा गया, कितना आएगा टू की पावर इलेवन कॉस, तो टू की पावर इलेवन कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो टू की पावर इलेवन, अच्छा टू पाई हटा दे टू पाई, तो कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू कॉस एक सौ सी प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री और माइनस टू की पावर इलेवन एक बटा दो कॉस साठ का मान, तो होगा माइनस टू की पावर टेन, माइनस टू की पावर टेन, कौन सा आ गया आंसर, ये आ जाएगा दो के टेबल में आता है, अच्छा अगले टेस्ट में दस क्वेश्चन इसी के जाना, क्या काम, क्योंकि मैं साठ क्वेश्चन दूंगा ना, तो साठ का बीस परसेंट बारह क्वेश्चन इसमें से बीम और थ्योरम और एक और इसके साथ मैंने दिवास में
ऐसे आपके वो 40 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 8 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के खाली, 20% पुराना, जिसे थोड़ा बहुत उसको ही पढ़ जाओ। करा e की पावर x, e की पावर आइटा y, लिख सकते हैं? अरे गुणा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अब अलग अलग पे मोड़ लगा दो, e की पावर x पे मोड़ और e की पावर आइटा y की पावर मोड़, अलग अलग लगा दिया। अच्छा इसमें तो इसको तो e की पावर x ही लिखो, ऐसे कैसे लिख दो, और इसको लिख दो cos y प्लस आयटा साइन वाई, ठीक है ना, cos थीटा, cos i थीटा cos। अब इसका मोड निकालते हैं तो रियल पार्ट का इसका प्लस इमेजिनरी पार्ट का, इसका मान वन होता है, इसका मान क्या होता है? अच्छा ये तो पॉजिटिव होता है क्योंकि e पे पक इतनी पावर चढ़ा दो हमेशा धनात्मक रहता है, ये है ना e का ग्राफ ऐसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है ये, और ये हो जाएगा cos y का स्क्वायर प्लस साइन y का स्क्वायर का रूट, तो e की पावर x ही आ जाएगा, बस ये वैल्यू हमेशा ही धनात्मक रहती है x, है ना। क्या होता है जब अंदर की संख्या पॉजिटिव होता है ना, मोड हट जाता है अपना, मोड लगाने की जरूरत ही नहीं, अंदर की संख्या पॉजिटिव होती है। कौन सा आ गया? अंदर की संख्या मोड के अंदर का धनात्मक कहते हैं ना, तो मोड हटा देते, तो पावर हमेशा ही नहीं चला गया। आयटा बराबर माइनस वन, तो आयटा की पावर एन, क्योंकि क्या होता है कि लगातार चार संख्या आ जाए ना, आयटा की पावर 11 प्लस आयटा की पावर 12 प्लस आयटा की पावर 13 प्लस आयटा की पावर 14, इसका मान 0, चार लगातार आयटा आ जाता है, मान 0 होता है, चार कोई सिर्फ चार लगातार आ जाए, लगातार होना चाहिए जी, लगातार मतलब आयटा की पावर एन, आयटा की पावर एन प्लस वन, आयटा की पावर एन प्लस टू और आयटा की पावर एन प्लस थ्री, 0 लगातार चार अगर आयटा आ जाए लगातार उनका मान 0 होता है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि वन रखा मैंने, तो ये आ रहा है वन और इधर से आ रहा है, देखो वन और ये आ रहा है टू, एक रखा ना ये, तो कहने का मतलब इधर आपका आ रहा फिर दो रखा, तो आयटा की पावर टू और आयटा की पावर थ्री, समझे? तो उमना के ये है कि ये सारे मान वन रखने पर वन टू थ्री रखने ये भी आएंगे, और इस वन का मान इसमें रखेंगे तो ये भी आएंगे, भाई ये पेयर आ रहा है ना, ये आ रहा है तो इसका मान रखा, तो अपन इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इस आयटा का मान 13 तक तो इसमें रख देते हैं और आयटा का मान 13 तक इसमें रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले रखा ना तो ये हो गया आयटा, देखो ये इसमें इसमें रख रहा हूँ खाली, इसमें 13 तक लगातार, तो आयटा प्लस आयटा वन आयटा टू अपॉन आयटा 13, क्यों? क्योंकि ये एक से स्टार्ट हो, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है पांच, लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत है, इसमें क्या है एक रखो तो दो से स्टार्ट होगा और दो से 14 तक जाएगा, वो कहां तक जाएगा ऐसा, आयटा की पावर 14 तक जाएगा ऐसा, आयटा बराबर वन है ना, पहले वाले में रखा वो भी लेगा सारे मान, उसको रख दिया फिर आयटा वन उसमें रख दिया, ऐसे इसके बजाय मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं तो ये दिक्कत आती है सोल्व करने में, समझा? आयटा का मान 1 से 13 मैंने इसमें रखा, अलग अलग कर दिया दोनों, मतलब इसको ऐसे कर दिया, समेसन आयटा की पावर 13 एन बराबर वन 13 और ऐसा कर दिया लो,
आयटा एन प्लस, ऐसे रख दिया इसमें, यूँ कर दिया, तोड़ लिया उन्हें, ऐसे तोड़ लिया, पहले इसमें रख दिया और ऐसे रख दिया। और इसमें लगातार चार कोई से भी ले लो, कोई से बीच का कोई, तो लगातार मैं करूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, क्यों ये दो गलती कर दी यार, ये आयटा वन है ना, वन से लेकर तेरह, तो दो से लेकर तेरह तक बारह संख्या हो गई, तो मैं यहाँ ले रहा था आयटा, ऐसे दो तीन से लेकर भैया टोटल आपकी तेरह संख्या है, तो ये बाकी बारह हटा दी ना लगातार, कोई से चार ले लो ऐसा कुछ नहीं, ये रह गया आयटा स्क्वायर, पीछे गेटा दे कोई लगातार चार होनी चाहिए, इसका मन जीरो होता, तो चार चार बारह हटा दी इधर, चार चार बारह हटा दी, फर्स्ट फर्स्ट अब इसको सोल्व कर लो, आयटा का मन और ये कितना होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आयटा माइनस वन, चला गया। वन आइटम वन माइनस आइटम, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू जो होता है ना, वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू, बोलो मापांक अलग चीज होती है, मापांक तो अलग है। अब इसका क्या आएगा, देखो इसके अंदर अगर करें ना, तो आर कॉस थीटा बराबर तो वन है, आर साइन थीटा बराबर माइनस वन है पहले वाले, और इसके अंदर आर कॉस थीटा बराबर वन है और आर साइन थीटा बराबर वन है इस वाले का, इसकी कह रहा हूँ इसका और इसका अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये टेन थीटा आएगा वाई बटा एक्स माइनस वन अपन वन, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये एक्स कॉस थीटा होता है, ये एक्स एक्स है, ये तो एक्स है, ये वाई है, तो ये तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये था थीटा वाला माइनस फाइव बाई फोर, तो थीटा आएगा माइनस क्वाड्रेंट देखा करो, ये दोनों ही एक्स और वाई है, ये एक्स और ये वाई है, दोनों ही पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे टेन थीटा जो आएगा ना वाई बटा एक्स वो वन बटा वन वन, थीटा बराबर पाई बाई फोर, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है, वो अब वैल्यू किसकी पूछिए पहले, ऊपर वाला इसकी, यही तो है ऊपर, ये तो मैंने इसका लिखा है जेड बराबर लिखा है वन माइनस आठ के लिए, और ये जेड लिखा है वन प्लस आठ के लिए, तो क्या आएगा आर्गुमेंट जेड इसका माइनस उसका, तो इसका मान कितना टोटल आया, माइनस पाई बाय फोर पहला जेड वन माइनस पाई बाय फोर कितना गया माइनस पाई बाय, या फिर एक दूसरा तरीका है इसको एक सिंगल में चेंज कर लो, सिंगल में चेंज कर लो, ऊपर नीचे वन माइनस आठ ऐसे ऊपर गुणा करते ऐसे कर, ऐसे कर सकते, बाकी मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बोला, ठीक है जेड जेड बार बार तीन जेड बार एक्स प्लस आठ जेड बार सही सिमिलर कुछ नहीं है सिंपल है एक्स प्लस आइटा वाई एक्स माइनस आइटा वाई बराबर तीन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तीन सर्किल है तो भाई इसका सेंटर जीरो जीरो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर रूट तीन का स्क्वायर ग्रत
इकाई के एनवे मूलों का योग क्या होगा? कराई जेड एन बराबर वन, जैसे अपन जेड थ्री बराबर लिखते हैं ना तो तीन मूल आते हैं, जेड टेन वाला तो दस मूल आते, तो जेड बराबर वन की पावर वन बाई एन। तो इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज करें ध्रुव रूप में तो आर कॉस थीटा बराबर है वन, आर साइन थीटा बराबर क्या है जीरो, तो टेन थीटा बराबर हो गया वाई बटा एक्स जीरो बटा वन जीरो, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो आटा साइन जीरो। ऐसे तो साइन जीरो मान तो जीरो हो गया डेटली, तो इसको ऐसे लिखते हैं फिर कॉस टू एम पाई जीरो आयटा साइन सारे मान निकल के टू एम पाई प्लस जीरो की पावर एक बटा एन बोलो। और जो एम की वैल्यू होती है ना, एम की वैल्यू जीरो वन टू थ्री अपॉन एन माइनस वन तक रखते हैं इसके अंदर, एक कम एम मूल होते ना भाई, जीरो रखोगे एक मूल आएगा, एक रखोगे तो एक रखोगे तो एन मूल आएंगे, तो ये तो ये टोटल हो गया कॉस 2m पाई अपॉन n आयटा साइन 2m पाई बटा n ऐसा, ये डिमॉर्गन थ्योरम। अब यहां पे m मूल जो आएंगे ना इसके, m m बराबर जीरो रखना तो पहला मूल आ जाएगा, n बराबर दो रखोगे तो दूसरा मूल, n बराबर तीन ऐसा। अब इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, देखो e आयोटा हो गया तो ये हो गया 2m पाई अपॉन n आयोटा, ये मूल है। अब n का m का मान क्या रखोगे, 0 1 2 अप टू n माइनस वन तक, एक कम ये इसके मूल आएंगे। तो पहला मूल बोलो क्या आएगा, पहला मूल आएगा जब m बराबर जीरो का तो cos e की पावर जीरो वन हो गया, तो पहला मूल होगा अल्फा वन, वो तो वन हो गया, दूसरा मूल अल्फा टू, m बराबर वन रखा टू पाई बाई n आएगा, तीसरा मूल क्या होगा e की पावर m बराबर दो रखो 4 पाई बाई एन आई, तीसरा और चौथा e की पावर 6 पाई। और अल्फा एन डेड डेड एस क्या रखा n माइनस वन, e की पावर m की जगह 2 n माइनस वन अपॉन n आई, ऐसे ये मूल होता। अब इसके सारे को जोड़ना है, वन प्लस ई की पावर टू पाई बाई एन आयोटा, ई की पावर फोर पाई बाई एन आयोटा, ई की पावर सिक्स पाई बाई एन आयोटा, सारे मूलों को जोड़ना है ना। भाई पहले तो मूल का फॉर्म बनाया, मूल का फॉर्म बनाने के बाद वैल्यू रखिए मूल आ रहा है सारे, फिर इनको जोड़ना है। तो ये जीपी है, कैसे 2 पाई वाई एन में भाग दो तो ये आएगा, इसमें अगर 4 पाई एन में भाग दो तो ये जीपी है, गुणोत्तर से नहीं है ये, मैं
मतलब नाली एक है, एक है एक एल्फा, एक एल्फा स्क्वायर, एक एल्फा थ्री है, तो इनका अनंत पद इनको योगेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, ये तो होता फॉर्मूला जोड़, अनंत पद थोड़ी है। तो ए तो हो गया वन, वन माइनस आर ई की पावर टू पाई बाई एन आयोटा और की पावर एन, एन संख्या है टोटल एक से लेकर एन है टोटल, अपॉन वन माइनस ई की पावर टू पाई बाई एन आयोटा। अब यहां पे अगर सोल्व करेंगे तो वन माइनस इसको करेंगे ई की पावर एन से एन कट जाएगा, यह आएगा टू पाई आयोटा और यह आ जाएगा वन माइनस ऊपर पावर थोड़ी आएगा। बन क्यों आएगा, काट से काट दिया भाई, बन कहाँ आएगा ये भाई साहब, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, बड़ा काट कैसे रहे हो, वन माइनस आर है वो आर एन है ना। अब इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इसको तो वन माइनस सॉरी वन माइनस कॉस टू पाई आयटा साइन टू पाई, ये रहा इसको सोल्व करो, अपॉन ठीक है। अब ये साइन टू पाई तो जीरो होता है और कॉस टू पाई क्या होता है वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो उत्तर आएगा जीरो। भाई ये तो जीरो हो गया और कॉस टू पाई हो रहा वन, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। और ये से रख दो, जब जीरो में किस संख्या भाग दोगे तो क्या होगा, चला गया गुणनफल, गुणनफल बनाएगा। वैसे देख लो ना, एक के चेक कर लो आप, एक के मूल क्या होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो और वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा थ्री वन, तीन पे लागू होगा तो एन पे भी लागू होगा, नहीं एन बार तीन रख दो ना, एन मूल है तो मैं तीन मानूंगा ना, तीन मान लो, अरे इकाई संख्या के एन मूल है तो एन बार तीन भी तो सही है, तीन पे ले लो, तीन पे तो जीरो आ रहा है, ये अपने वैसे प्रूव कर दिया लगा के, नहीं तो उसी पर एन बार तीन भी तो मान सकता हूँ आ गया। रूट तीन प्लस आयटा, देखो आर कॉस थीटा बराबर हो गया रूट तीन, आर साइन थीटा बराबर वन, तो आर आएगा रूट तीन का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर का रूट, ये तो दो, और टेन थीटा होता है वाई बटा एक्स, ये वाई के ला, ये तो एक्स होता है ये वाई होता है रियल पार्ट एक्स, तो क्या गया एक अपॉन रूट तीन, तो थीटा हो जाएगा पाई बाई सिक्स या थ्री पाई बाई सिक्स, अभी इसका वो थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, सतत माइनस का चक्कर पड़ेगा इसका, ये तो आया इसका, दूसरे का x बराबर है r cos थीटा बराबर है रूट तीन और r sin थीटा माइनस वन, तो tan थीटा बराबर y का तो नेगेटिव और x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा होगा माइनस पाई बाई सिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है,
तो ये आएगा रूट टू टू कॉस पाई बाई सिक्स आइटा साइन पाई बाई सिक्स की पावर, पावर कितनी चल रही एन, टू कॉस पाई बाई सिक्स माइनस लगा देता हूँ, बार वो है ना माइनस पाई बाई सिक्स को मैंने कॉस थीटा लिख दिया, आयोटा साइन पाई बाई सिक्स और की पावर एन, तो ये तो हो जाएगा टू की पावर एन कॉस एन पाई बाई सिक्स आयोटा साइन एन पाई बाई सिक्स, टू की पावर एन कॉस एन पाई बाई सिक्स माइनस आयटा साइन एन पाई बाई सिक्स। और अब ये साइन वाला तो कट जाएगा, तो अगर टू की पावर एन कॉमन ले लो कॉस एन पाई बाई सिक्स और इधर आ जाएगा कॉस एन पाई बाई सिक्स, तो आ जाएगा टू की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन क्यों टू और आ जाएगा कॉस एन पाई बाई सिक्स ये आ जाएगा। ये दो आएगा ना, दो और आ गया, टू की पावर एन और दो टू की पावर एन प्लस वन चला गया। इसको सही कर लेना, फोर है ये। देखो इसको क्या ले सकते हैं, e की पावर i थीटा की पावर फोर और इसको देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें डीमार्कर थोड़ी लगी, आईटा की पावर फोर कॉमन निकालो, आईटा से ऊपर नीचे गुणा करके तो आएगा कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा की पावर फोर। पता क्या करना, जो डी मॉर्गन थ्योरम लगती है ना वो इस पे लगती है, खाली इस पे लगती है, कॉस थीटा आयटा के साथ साइन थीटा आयटा के साथ साइन थीटा के साथ ही लगना चाहिए, इसी पे लगती हो जो लगता है अपन कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, ये इसी पे लगानी है, ये नहीं कि आप लोग कॉस के साथ आयटा लगा दो, ये थ्योरम सिर्फ इस पे लगती है, इसलिए मैंने क्या करा आयटा से ऊपर नीचे गुणा करा, इसको आयटा से ऊपर नीचे गुणा किया और आयटा के पावर फोर कॉमन है तो कॉस थीटा आयटा निकला वन अपॉन आयटा, वन अपॉन आयटा तो माइनस आयटा, वन अपॉन आयटा माइनस आयटा, ये रख दिया, इस पर लगा सकते हो आप इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया आपका e की पावर आई थीटा की पावर फोर और ये तो वन हो गया और ये हो जाएगा कॉस थीटा फोर, जो कॉस थीटा माइनस आई ये तो एक फॉर्मूला से थीटा। तो ये आपका ई की पावर फोर आई थीटा प्लस फोर आई थीटा, ये क्या कराना ये माइनस फोर आईटा ऊपर ले गया, तो इसको लिख दो ई की पावर एट आई थीटा, ठीक है एट थीटा ही करते, तो हो गया कॉस एट थीटा प्लस आईटा एट थीटा ये आएगा। सही है, एक आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर वापस आर त्रिज्या के ठोस शंकु निर्माण किया जाता तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो आर त्रिज्या के ठोस गोले को चार बटा तीन पाई आर क्यू
एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर, क्योंकि इसने ऊंचाई तो आर बोल दी और मैंने आर वो मान ली आधार त्रिज्या कैपिटल आर, तो तीन से तो तीन कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, तो फोर आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आर बराबर टू आर। चलेंगे समान शीर्ष कोण वाले शंकुओं की ऊंचाई h1 h2 है, मतलब ये है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ऊंचाई दे, त्रिज्या तो दे नहीं रखी ना, तो त्रिज्या इसको r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं, ये अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई टू हो जाएगा। शीर्ष कोण दोनों समान है, ठीक है, तो r1 अपॉन h1 tan अल्फा बाई टू, तो R1 आ रहा है इसका H1 tan alpha by 2 और इधर आ रहा है R2 upon H2 tan alpha by 2, तो R2 बराबर आ रहा है H2 tan alpha by 2। तो आपको कहने का मतलब है त्रिज्या भी पता चल गई, ठीक है, अब उनके आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात होगा एक बटा तीन पाई आर वन का स्क्वायर, तो ये हो गया एच वन टेन एल्फा वाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच वन अपॉन एक बटा तीन, उसकी त्रिज्या कितनी है एच टू टेन एल्फा वाई टू, ये एल्फा वाई टू सेम है दोनों का, कट जाएगा ये एच टू, तो कट जाएगा ये हाफ से हाफ, ये कैंसिल और ये टेन अल्फा बाई टू कट जाएगा, तो आ जाएगा एच वन का क्यूब अपॉन एच टू का, नहीं आया सुन, हो गया था सवाल ये, चले एक त्रिभुज के कोण 4:1:1 के अनुपात तो बड़ी भुजा और परिमाप में अनुपात क्या होगा, मतलब इंडाइटी ये दो एंगल तो बनेंगे 30-30 और एक बनेगा 120, क्योंकि एक अनुपात चार अनुपात एक अनुपात एक का मतलब है 4+1+1 बराबर 180 6, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 30, तो 30 30 120 है, तो बड़ी भुजा, और ये तो फॉर्मूला है, ये देखो ये भुजा अपन ए मान लें, ये भी ए होगा ये भी होगा, तो साइन ए ए अपॉन साइन 30 बराबर बी अपॉन साइन 60 नहीं 120, ये होता है साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ध्यान है ना, जो फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, जो एंगल उसी के सामने वाली भुजा कांस्टेंट होता है, मैंने उल्टा लिख दिया इसको क्वेश्चन, तो ए और बी का रेशियो जो आएगा एंगल देर का रेशियो निकालना, तो ए बटा बी या बी बटा ए, बी बटा ए को आगे साइन 120 अपॉन साइन 30 और साइन 20 होता है साइन 90+30 कॉस 30 अपॉन साइन 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है 1/2,
रूट टी, ठीक है। तो बड़ी भुजा रूट टी ना, छोटी भुजा एक है, एक ही हो गया रेशियो। अब क्या कह रहा है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा तो रूट टी हो गई अपॉन परिमाप, परिमाप कितना हुआ एक प्लस एक रूट तीन, दो हो गए ना, एक प्लस रूट टू, कॉन्स्टेंट कट जाएगा, तो रूट तीन अपॉन टू रूट टू। ये आ जाएगा, दो सम बहुभुजों की भुजाओं में अनुपात 1:2 है, उनके अंतर कोणों का अनुपात 3:4 है, तो प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला होता है अंतर कोण का, अगर n भुजा है ना तो होता है 2n-4 × 90 अपॉन n, अगर n भुजा है तो 2n-4 × सम, ये तो सभी अंतः कोणों का योग अपॉन भुजाओं की संख्या, एक अंतः कोण आ जाता है, ठीक। तो इनके भुजाओं का अनुपात 1:2 है ना, तो एक को तो x मान लेते और एक 2x, तो 2x-4 × 90 अपॉन x, और ये हो जाएगा 2 × 2x, 4x-4 × 90 अपॉन 2x। ध्यान रखना ये n इसी से गुणा होना है 2x, और से नहीं कहीं उससे गुणा कर दो, एक में मैंने बुझा x मान ली, एक में 2x मान ली, -4 × 2 बराबर कितना देर का है, 90 से 90 काट दो, x से x काट दो, 2x-4 और इधर आएगा 4x आएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 12x-12 और ये हो जाएगा 16x, 2 8 हो गए ना, ये 8 16 8 6 32, तो 4x=20, x=5। भुजा मैंने x और 2x मानी थी, भुजा मैंने कितनी मानी थी, तो x वैल्यू रख दे तो भुजा कितनी हो जाएगी, 5 और 10 है क्या ऑप्शन में, पांच और दस। इनमें से कौन सा कथन गलत है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र में बराबर कोण अंतरित करती है, अगर बराबर जीवा होती है ना, जैसे ये जीवा तो कोण पे बराबर एंगल बनाती है, जीवा की लंबाई, तो सही है पहला, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाए तो ठीक है, उल्टा ही तो बोला, ये सही है, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया हम समविभाजित करता है, ये सही है, किसी वृत्त जीवा से लंब डालेंगे ना अपन तो ये दो हिस्से कर देता बराबर, ये। और चौथा, केंद्र से होकर जाने वाली किसी जीवा को समविभाजित करने वाली रेखा जीवा के समांतर होती है, ये कोई जरूरी थोड़ी है, तो ये हो जाएगा उत्तर, केंद्र से जाने वाली जीवा कोई दूसरी जीवा कैसी मिल सकती है। ए डी ए बी सी, ए डी ए डी ए ए ए डी ए और बी सी है, व्यक्ति तीन स्पर्श रेखा, भाई वो तो ई पे स्पर्श कर रही है, ये यू स्पर्श कर रही है, डी ए पर
वो डी पे स्पर्श कर रही है, वो ई पे, और ये एफ पे, ये एफ है, तो कौन सा सही है? ठीक, देखो एक पॉइंट बाहर से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है दोनों बराबर लंबाई की होती है, तो मैं ए डी प्लस बी का जोड़ू, ए डी प्लस ए ई करूं, ए डी प्लस ये दोनों बराबर ही हो, दोनों ए डी लिख सकता हूं, तो इसको ए डी को तो मैं लिख देता हूं ए सी प्लस सी ई प्लस, और ये जो ए ई है ना इसको लिख दिया मैंने ए बी प्लस बी डी, इसके ये जो ए ई है ना इसके दो टुकड़े कर दिए ए सी प्लस सी, ये तो ये चीज है, ये चीज है। अच्छा इसको टू ए डी लिख देते हैं, क्यों बराबर? अच्छा ए सी तो ये हो गया, अच्छा ये जो सी है ना इस सी को सी एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट से स्पर्श रेखा ये बराबर होगी, ये बहुत पॉइंट सी के हिसाब से देखें तो स्पर्श रेखा होगी, तो इसको क्या लिखते हैं सी को सी एफ, और ये ए बी, और ये जो बी डी है ना इस बी डी को यहां से लेकर ये बी एफ भी लिख सकते हैं, यहां से यहां तक और यहां से तक कर। तो ये हो गया टू ए डी, अब ये हो गया ए सी प्लस ए बी, अच्छा ये सी एफ और ये बी एफ क्या हो गया बल्कि देखना सी एफ और बी एफ, ये हो गया बी सी, सही है। नहीं एक शंकु एक अर्धगोला एक बेलन समान आधार तथा समान ऊंचाई के, देखो इसमें जब शंकु अर्धगोला है ना ये हाइट डिसाइड करेगा, फिर ये शंकु है इस शंकु ऊंचाई तो मैं कितनी बढ़ा सकता हूं, लेकिन अर्धगोले की ऊंचाई मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और बेलन भी कितनी ऊंचाई को बढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या है ऊंचाई मेरे को ये क्या है इसके अंदर हाइट जो सेट करेगा ना वो ये करेगा, ऊंचाई की एक अर्धगोले को नहीं बढ़ा सकते, कोई रेडियस वाला सेट करना पड़ेगा, जब भी गोला आ जाए या अर्धगोला आ जाए ना वो और हाइट हो रहा है तो वही हाइट सेट करेंगे, कि गोले की तेज अपन हाइट को बढ़ा नहीं सकते, ये आ रहे तो आ रही हो तो सभी ऊंचाई आ रही होगी, अब सभी की ऊंचाई बराबर है तो ये अर्धगोला ही सेट करेगा, तो यार 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 और ये भी यार ऊंचाई भी यार सब कुछ। अब इनके आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन तो होगा ए बटा तीन पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ऊंचाई ये हो जाएगा दो बटा तीन पाई आर क्यू, आधा है पूरा तो है नहीं, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर एच, अब इसके अंदर एक बटा पाई से पाई काट दो, आर क्यू से आर क्यू काट दो, एक अनुपात तीन अनुपात दो बटा तीन अनुपात एक, तीन से गुणा कर लो क्या आएगा एक अनुपात दो अनुपात, किसी लड़के से एक संख्या से 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया, तो जिस संख्या को गुणा करना था वह, तो माना x मान लो, और करना क्या था 12x, कर क्या दिया
इन दोनों इससे बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, 21x माइनस 12x बराबर ग्रेटर। अब ये कितना घट गया, 9x 63, x बराबर कितना गया, 9 7 7। संख्या बढ़ गई, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा बीसी को पी तक बढ़ाया गया तो डीसीपी पूछा है। देखो सिंपल है, ये एंगल 140 है ना, तो ये 70 होगा, और ये क्या होता है समचतुर्भुज, वो सॉरी चक्रीय चतुर्भुज, ये 180 होता है, तो ये हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 70। एक ठोस का पैंदा अर्धगोलाकार ऊपर से शंकुआकार है, यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, मतलब यह एक ठोस है जिसका पैंदा तो नीचे का तो इस तरह का है अर्धगोलाकार, ऊपर से ये इस तरह का शंकुआकार, और इन कन्नी दोनों भागों का सरफेस एरिया बराबर है, तो इसका सरफेस और होता है 2πr² आधा गोला, और ये होता है πr(L). ऐसा सरफेस एरिया के बराबर बराबर, तो कंडीशन ही है, उससे s सेट होगा, फिर ये तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, आर से आर कैंसिल हो गए, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 4r², और ये जो एल होता है ना, ये होता है h² + r² होता, तो ये हो जाएगा 3r² एच, तो एच बराबर हो जाएगा √3r, हाइट आ गई इसकी, मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये कंडीशन सेट हो जाएगी। अब इनके आयतन का अनुपात, तो पहले तो गोला तो 2/3 πr³, और इसका आयतन होगा 1/3 r², और h की जगह √3r, इसमें पाई आर क्यू तो कट गया तीनों, और 3 से 3 कट गया, तो 2 तो ऊपर आ रहा है, और नीचे कितना था √3, और थोड़ी कुछ आ रहा है, भाई तो कट गया ना 3 से 3, 2 रह गए, तो कौन सा आंसर आ गया, 2/√3। सर तुम्हारा 60 के 60 करा दो, ठीक है, पूरा एक पेपर को सोल्व करने में 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर सारा डिस्कशन होता है। अब देखो ये 2 घंटे 28 मिनट हो गए,